जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ हसन जायद। आज हम आपके लिए DHFA6 की प्राइम लोकेशन के ऊपर एक कनाल का अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन में घर लेके हैं, जो कि 60 फिट कारपेट रोड के ऊपर लोकेटेड है। आप इसका फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, इसे टाइल वर्क के साथ क्या खूबसूरत किस्म का इसे डेकोरेट किया हुआ है। इसके फ्रंट एलिवेशन में हमें टाइल्स विद ब्लैक ग्रिल्स, एसओसी लाइट्स और LED लाइट्स मिल जाती हैं, जो कि हमारे बहुत प्यारा व्यू देती हैं। ये देख सकते हैं आप इसका फ्रंट एलिवेशन क्या खूबसूरत लग रहा है। अगर इसके एक्सटर्नल लोन की बात की जाए तो इन्होंने फ्रेशली इसके अंदर खास और ट्री इंस्टॉल्ड करवाए। आपको हम इसका कार रैंप का विज़िट करवाते हैं। इसके कार रैंप पे इन्होंने बहुत प्यारी 3 कलर्स की टाइल्स का डेकोरेट किया हुआ, जो कि बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही है। जैसे हम इस घर की कार पार्किंग में इंटर होते हैं, हमें बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत किस्म की 3 बिग कार की पार्किंग मिलती है। जैसे ही हम पार्किंग वाली वॉल देखते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत टाइल वर्क किया हुआ है। आप यहाँ से एक दफ़ा घर का अगेन बाहर का व्यू देख सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके इंटरनल लोन की तरफ। अगर इसके इंटरनल लोन की बात की जाए तो इन्होंने फ्रेशली घास और ट्रीज इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं, जो कि बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। अगर इस घर की डिमांड की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा नेगोशिएबल है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम आपकी डिमांड भी बताएंगे। जैसे हम घर के मेन एंट्रेंस पर जाते हैं, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर बड़ी प्यारी रबी की एक हैंडमेड पेंटिंग लगी हुई है, जिसको ब्लैक मार्बल्स के साथ यूज़ किया हुआ है और 3 इसके अंदर वार्म कलर की लाइट्स का यूज़ किया, जो कि बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही हैं। जैसे ही हम घर के अंदर इंटर होते हैं तो डबल हाइट लॉबी बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत किस्म का एक व्यू देती है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इस घर के पाउडर रूम की तरफ, जो कि 2-3 डिफरेंट कलर का कंपेरिज़न करके इसको तैयार किया गया हुआ। आप देख सकते हैं बिल्कुल कंपाउंड के ऊपर मिरर लगाया हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने वार्म कलर की लाइट यूज़ की हुई है। अब हम आपको लेके चलते हैं इस घर के डाइनिंग पैलेस ड्राइंग की तरफ। वुडन फ्लोरिंग में डाइनो ड्राइंग टेबल इसका तैयार किया गया हुआ है। सीलिंग स्टेप्स में इसका डिज़ाइन किया गया हुआ है और उसके अंदर हैंडमेड इम्पोर्टेंट वॉलपेपर यूज़ किए गए हैं, शेनियर्स भी हैं। सामने हमें करारा कलर में एक बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत टाइल मिलती है। सीलिंग के अंदर वार्म लाइट्स और SOC लाइट्स मिलती है। सामने मिरर का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके स्टडी रूम की जानब। अगर इसके स्टडी रूम की फ्लोरिंग की बात की जाए तो वुडन फ्लोरिंग में तैयार है। वॉल के ऊपर फ्लोरिंग हैंडमेड इम्पोर्टेंट इटालियन का इन्होंने बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत वॉल पेपर यूज़ किया, जो कि बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। अब चलते हैं हम इसके किचन की तरफ। आप देख सकते हैं वाइट मार्बल का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। CMC का इसके अंदर सारा इन्होंने किचन यूज़ किया हुआ है, देख सकते हैं बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल इन्होंने जो ऊपर के साइड पर ड्रॉज बनाए हुए हैं, उसके पीछे बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत से टाइल वर्क किया गया हुआ है। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके सर्विस किचन की तरफ। अगर इसके सर्विस किचन की बात की जाए तो बहुत ही ये भी ब्लैक मार्बल में इसको तैयार किया गया, उसके पीछे ब्लैक टाइल्स का इस्तेमाल किया गया हुआ है। सीलिंग का डिज़ाइन हमें बिल्कुल मुख्तलिफ और उसके अंदर रूफ लाइट्स मिलती हैं। अगर अब लेके चलते हैं वो इस घर के टीवी लॉन्च की तरफ। शनियर जो कि बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत वेलकम करता है। सीलिंग इसकी बॉक्सिस डिज़ाइन में तैयार है, जिसके अंदर वार्म लाइट और SOC फोकस लाइट्स का यूज़ किया, जो कि इस घर की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। आपको सामने वीडियो मॉल आप इसकी देख सकते हैं। इसे PVC में ब्राउन में तैयार किया और वाइट मार्बल यूज़ किया, जो कि बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। अब हम आपको लेके चलते हैं इस घर के फर्स्ट बेडरूम की जानिब। अब देख सकते हैं फर्स्ट बेडरूम में इन्होंने वुडन फ्लोरिंग की हुई, सामने बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत हैंडमेड पेंटिंग की हुई है। वॉल लाइट्स मिल सकती हैं आपको इसके अंदर, रॉयल फैंस का फैन मिलता है। सीलिंग के अंदर रूफ लाइट, सामने आप इसके वॉल मीडिया देख सकते हैं, जो कि वुडन डिज़ाइन में बॉक्सेस में बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत तैयार की हुई है। अब इसके अटैच किचन वाशरूम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इसके वाशरूम में इंटर होते हैं, बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत एक किस्म की चूजी मिलती है। साथ ही इसका शावर कैबिन में गोल्डन कलर का एक शावर मिलता है। अब बेसिन मिक्सचर इसका देख सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया हुआ है। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ।
बेडरूम इसका बिल्कुल डिफरेंट है। सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं उसके अंदर, रूफ लाइट्स, लाइट्स वॉल पे आप वॉलपेपर देख सकते हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ वॉल लाइट्स इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फ्लोरिंग इसकी टाइल्स में की हुई है, फर्स्ट बेडरूम की वुडन में थी जो कि बहुत प्यारी, और इसके अंदर बॉर्डर दिया हुआ है इन्होंने वुडन का जो बहुत प्यारा लग रहा है। लेके चलते हैं हम आपको इसके अटैच वाशरूम की तरफ। वुडन फ्लोरिंग मिलती है, लेफ्ट साइड पे बहुत प्यारी और खूबसूरत हमें किस्म की कबर्स मिलती हैं, उसके साथ इन्होंने वाइट और ब्लैक मिक्सचर के टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। इसके शावर कैबिन में एंटर होते हैं तो हमें बहुत प्यारा और सिल्वर कलर का एक इसके अंदर शावर कैबिन मिल जाता है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगर इसकी स्टेयर्स की बात की जाए तो इन्होंने बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत ग्रेट नाइट इधर मार्बल का यूज़ किया हुआ है। जैसे ही अगर कोई भी मेरा भाई इस घर में इंटरेस्टिंग है, या DH लाहौर में, या कहीं भी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल, परचेज या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अब हम जैसे इसके फर्स्ट फ्लोर पर एंटर होते हैं, बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत इटालियन वॉलपेपर हमारा वेलकम करते हैं जो कि बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। और ये वॉलपेपर्स की एक खासियत ये है कि ये पानी से ख़राब नहीं होते। जैसे थर्ड बेडरूम में आते हैं, वुडन फ्लोरिंग मिलती है, बिल्कुल सामने बहुत ही आलीशान किस्म के ब्लैक हैंडमेड इम्पोर्टेड हमें वॉलपेपर मिलते हैं। वॉल लाइट्स बिल्कुल ही डिफरेंट मिलती हैं। अगर हम इसकी अब बात करें बार्गेनिंग की, बिल्कुल लेफ्ट और राइट साइड पे आपको दोनों तरफ पे विंडोज़ मिलती हैं जिसका बाहर व्यू देख सकते हैं, सीलिंग देख सकते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट उसके अंदर रूफ लाइट्स मिल जाती हैं। अब लेके चलते हैं हम आपको इसके अटैच वाशरूम की तरफ। वुडन फ्लोरिंग में इसका वाशरूम तैयार है, बिल्कुल सामने हमारे बहुत प्यारा इन्होंने बेसन मिक्सचर्स लगाया जो कि बहुत ही प्यारा, उसके पीछे इन्होंने वाइट टाइल्स का यूज़ किया, बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही है। अब हम आपको इसका अटैच वाशरूम का शावर कैबिन दिखाने लगे हैं जो कि बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। शावर कैबिन के अंदर हमें गोल्डन कलर का शावर मिलता है, पोटा का इसके अंदर हमें कंपोर्ड मिल जाता है। आप इसकी कबर्स देख सकते हैं जो कि बहुत प्यारी मिरर डिज़ाइन में और एंड किस्म की तैयार की गई है। अब हम आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन्च की तरफ। वीडियो देखने वाले से गुजारिश है वीडियो एंड तक देखें। ये आप इसका टीवी लॉन्च देख सकते हैं। जैसे हम टीवी लॉन्च में एंटर होते हैं, बहुत प्यारा खूबसूरत शनियर हमारा वेलकम करता है, ऊपर इसकी सीलिंग आ जाती है बिल्कुल ही स्टेयर डिज़ाइन में जिसके अंदर हमें रूफ लाइट मिलती है। वॉल मीडिया आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन कलर में तैयार की, नीचे उन्होंने दो ड्रॉज दिए हैं जिसके ऊपर वाइट मार्बल इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही प्यारा और डिफरेंट और ख़ूबसूरत चीज़ लग रही है। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके अटैच किचन की तरफ जो कि बहुत प्यारा ये भी और ख़ूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया हुआ। वुडन डिज़ाइन में ये सारा इन्होंने तैयार किया, इसके पीछे टाइल्स का यूज़ किया हुआ। स्टेयर्स में हमें इसकी सीलिंग मिल जाती है, ये देख सकते हैं बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत किस्म का इसको इन्होंने तैयार किया हुआ है। इसके अंदर हमें ओपन मिल जाता है। अब हम आपको लेके चलते हैं इस घर के स्टोर रूम की तरफ। अगर इसके स्टोर रूम की बात की जाए तो उन्होंने इस स्टोर रूम के 2 स्टेप्स भी बनाए हुए हैं। आप इसके अंदर खूबसूरत चीज़ें, अपनी कोई भी ज़रूरत का सामान रख सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम की तरफ। स्कर्टिंग आप देख सकते हैं वुडन की लगाई हुई है, सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसके अंदर ब्लैक कलर का रॉयल का फैन लगा हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है। इसकी वॉल की बात की जाए तो इसके ऊपर बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत किस्म का एक वॉल पेपर लगा हुआ है और हमें 2 वॉल लाइट्स मिलती हैं जो बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत किस्म की लग रही हैं। स्कर्टिंग मिलती है इसमें हमें वुडन की। अब चलते हैं अटैच वाशरूम में, ग्रेट कलर की टाइल्स यूज़ की हुई हैं जो कि बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत। लेफ्ट साइड पे बिल्कुल वाइट कलर की टाइल्स इन्होंने यूज़ की हुई। शावर कैबिन के अंदर भी इन्होंने वाइट कलर की टाइल्स यूज़ की हुई। शावर हमें अंदर शावर कैबिन के अंदर शावर हमें सिल्वर कलर का मिल जाता है। बेसन मिक्सचर के भी बैग पर इन्होंने वही टाइल्स यूज़ की हुई। अब लेके चलते हैं आपको लास्ट बेडरूम की तरफ। वुडन डिज़ाइन में ये बेडरूम तैयार है, बिल्कुल सामने हैंडमेड इंपोर्टेड हमें वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, वॉल लाइट्स, और इस पूरे घर में हमें AC इंस्टॉल मिलते हैं। अगर कोई भी भाई इस घर में इंटरेस्टिंग है या आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके हाजिर होंगे। शुक्रिया। अगर किसी की भी DH में रेंट, सेल, परचेज, किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट है तो मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। शुक्रिया। आप इसका वॉल मीडिया देख सकते हैं, बॉक्सेस डिज़ाइन में ही इसका वॉल मीडिया तैयार किया हुआ है जो कि पहले नीचे एक रूम में हम देख चुके हैं।
स्कर्टिंग देख सकते हैं, बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही है जो कि वुडन डिज़ाइन में। अब इसके अटैच वाशरूम की तरफ चलते हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मार्केट में इसकी डिमांड 9 करोड़ की जा रही है, जो कि कुछ भी नहीं है। मार्केट से बहुत हट के इसकी डिमांड है, इसकी डिमांड सिर्फ 9 करोड़ की जा रही है। तो देर किस चीज़ की है, मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और एक खूबसूरत मॉडर्न डिज़ाइन के घर के मालिक बनें। शुक्रिया।